हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कोविड-19 के चलते हुए मास्क बहुत ज़रूरी हो गया है, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती ही जा रही है और हमें मास्क ज़रूर लगाना चाहिए। और बेसिकली क्या होता है कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमें वो मास्क पहनना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए मैं आज आपके साथ जो दो मास्क शेयर कर रही हूँ उसमें से एक बहुत ही जल्दी बन जाता है, एक मिनट भी नहीं लगता उस मास्क में। और जो हम मास्क जो हम खरीदते हैं बाहर से, सर्जिकल मास्क खरीदते हैं, तो वो एक ही दिन में इन्फेक्टेड हो जाता है, एक दिन के बाद। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक मिनट वाला मास्क बता रही हूँ जिसमें बहुत कम टाइम लगता है, बस एक मिनट से भी कम ही लगेगा, शायद एक मिनट भी नहीं लगेगा आपको इसको बनाने के लिए। और इसके लिए हमें चाहिए एक हैंकी चाहिए हमें, और दो हमें रबड़ बैंड चाहिए इसके लिए। रबड़ बैंड कोई सी भी हो सकते हैं, या आपके अगर डॉटर के हों जैसे स्कूल के हैं वो भी चलेंगे, और आपके रबड़ बैंड हेयर बैंड भी चलेंगे आपके, जो आप हेयर में टाई करने के लिए आप लगाते हैं, सिंपल रबड़ वाले रबड़ भी। और ये जो मैंने टॉवल लिया ये जेंट्स हैंकी है फ्रेंड्स, और आप इससे थोड़ा सा बड़ा भी, सब तरफ से इससे बड़ा भी आप क्लॉथ ले सकते हैं। क्लॉथ आपका कोई भी हो सकता है, जो आपके घर पे कॉटन का क्लॉथ पड़ा हो उसको आप कटिंग करिए और उसको जेंट्स हैंकी से, अगर आप उसको बना रहे हैं तो उससे आप जेंट्स हैंकी जितना साइज़ का होता है उससे एक एक इंच और बड़ा काट लीजिए उसको, एक एक दो दो ये दो, एक से डेढ़ इंच तक आप उसे थोड़ा और बड़ा काटिए सब तरफ से। और उसके बाद जिस तरह से मैंने फोल्ड किया है इसको, उस तरह से फोल्ड करना है फ्रेंड्स, और दोनों साइड से उसमें रबड़ लगानी है, और दोनों को फोल्ड करके जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसके अंदर इसको हमें इसके अंदर डाल देना है, इसके अंदर इंसर्ट करना है इस तरह से। और ये इतनी जल्दी बनने वाला है मास्क, ये रेडी टू वेयर है आपका, आप अभी बनाया, अभी आपने पहना, और फिर आप फिर हैंकी आप धो दीजिए, फिर नेक्स्ट वाला बना लीजिए आप, उसको फिर से बनाइए आप उसे। तो ये आपके काफ़ी सारे इस तरह से तैयार भी हो जाते हैं और सबके लिए भी हो जाएंगे ये इस तरह से ये मास्क। तो ये इस तरह से होता है फ्रेंड्स ये, और एंड ये बहुत ही इजी मेथड है ये वाला मास्क बनाने का। और अब जो मैं सेकंड वाला बता रही हूँ ये सीम वाला है, जो मैंने पहले बताया था वो विदाउट सीम था, ये इसमें सीम लगेगी, तो ये स्टिचिंग वाला है। और इसके लिए मैंने अपना एक ट्राउज़र लिया है, और आप कुछ भी अपना ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं जो कॉटन का क्लॉथ हो जिसको आप डिस्कार्ड कर रहे हों, तो उसको इसको मैंने अच्छे से डिटॉल से, इसको सरफ में अच्छे से डिटॉल से भी मैंने इसको वॉश करा है, उसके बाद ही यूज़ कर रही हूँ इसे मैं। और इसमें हमें एक रेक्टेंगल हमें कटिंग करनी है इसमें से, और डबल लेयर में कपड़ा हमें डबल लेयर में लेना है। तो उस तरफ से जो आपके रेक्टेंगल है, इस तरफ से आपकी दोनों साइड से, एक तरफ से 9 इंच और एक तरफ से 7 इंच, 7 और 9 इंच, और इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है इक्वल इसमें, जैसे आप हमने आप ये देख रहे हैं रेक्टेंगल बॉक्स जैसा, और एक से बना लिया है। और लंबा वाला जो आप लंबी वाली साइड देख रहे हैं वो 9 इंच है, और जो छोटी वाली है वो 7 इंच, और इस तरह से ये कटिंग कर लिया है मैंने। और अब हमें चाहिए इलास्टिक, तो इलास्टिक हमें दोनों साइड के दो इलास्टिक चाहिए हमें, तो हम कटिंग कर लेंगे इसमें। हम इसमें 6.5 इंच हमें कटिंग करनी है, 6.5 इंच, 6.5 इंच, 6.5 इंच, और अब हमारी कटिंग हो गई है। और अब हमें क्या करना है, दोनों हमें जो हमने कपड़ा पीस काटा था, हमें दोनों को हमें जो उल्टी साइड है वो बाहर की तरफ कर देनी है, और उसके बाद हमें इलास्टिक को, हमें जो हमने 7 इंच की, जो 7 इंच की हमने लेंथ ली थी हमने, उस तरफ से उसको रखना है, और 9 इंच की तरफ से दबाते हुए इसे एक सीम लगानी, एक पैर की इसमें स्टिच करना है इसे। और इसी तरीके से दूसरी साइड से भी हमें, जैसा आपको दिख रहा है ऐसे, और 7 इंच की तरफ से फिर हमने इलास्टिक रखी है, और फिर हमें इसे सीम देनी है, इसको स्टिच करना है, और हमें एक साइड से हमें बस ओपन रखना है ताकि हम इसको सीधा कर सकें इसको। और हमें इलास्टिक को थोड़ा सा पीछे की तरफ हमें करके रखनी है ताकि इलास्टिक में सिलाई ना आए, और बस उसकी कॉर्नर पे सिलाई आए इलास्टिक की। वैसे तो पट्टी वाला भी एक जो था, एक जो एक नेफा जैसा बनता है ऐसा भी बनता है, अलग से आप पट्टी भी लगा सकते हैं, बट वो फिर थोड़ा और लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैं आपको ये वाला तरीका बता रही हूँ आपको, तो ये आपको बहुत शॉर्टकट लगेगा आपको। और इस तरह से ये इस तरह से तीनों तरफ से सीम लगाते हुए हमें एक तरफ से हमें
कम से कम हमें 2 इंच 2.5 इंच के आसपास हमें छोड़ देना है, जिसको हम पलटेंगे उस तरफ से उसको सीधा करेंगे इसको, तो वो साइड हमें इसलिए ओपन चाहिए। तो ये मैंने छोड़ दी है इस तरफ से। और ये सब तरफ से एक पैर की सिलाई आएगी सब में। और अब हमें यहां से जो हमने छोड़ा था, जितनी हमने इसमें जिसमें स्टिच नहीं करी थी, तो वहां से हम इसे सीधा कर लेंगे। और अब इसको हमने जब टर्न किया है तो ये इस तरह से आता है ये। और ये जो मेथड है फ्रेंड्स, जो मैं बता रही हूँ आपको, ये बहुत जल्दी बन जाता है। और इस तरह से आप बना के आप अपने 5-7 पीस अपने बना के रखिए अपने घर पे। और अब हमें सिलाई लगानी है उसमें, जिसको हमने सीधा करने के लिए छोड़ा हुआ था 2.5 इंच के आसपास जो छोड़ा हुआ था। और अब उसको हम सीधी साइड से हमें उसको सिलाई दे देंगे उसमें। और अब हमने सिलाई भी दे दी है इसमें। और अब टर्न आती है हमारी इसमें प्लेट डालने की। तो जो प्लेट डालनी है हमें, उसके लिए हमें सवा इंच के डिस्टेंस में हमें प्लेट डालनी है। और जिस तरह से मैंने 1.25 इंच पे आपको निशान बोले थे, अगर आप उस तरह से भी नहीं लगा रहे हैं, तो एक बहुत ही ईजी मेथड है वो बता रही हूँ। और आप इसको इस तरह से हाफ कीजिए, फिर एक निशान लगाइए, फिर उसका हाफ कीजिए, फिर एक निशान लगाइए, और उस साइड से भी ये निशान आना चाहिए। एक बार और इसको यहाँ से पीछे की तरफ से इसके अपोजिट यहाँ भी निशान लगाना है। तो इस तरह से आपकी प्लेट के बिल्कुल परफेक्ट निशान मिल जाएंगे आप। और इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हमें डालनी है प्लेट। और इस तरह से हम ऐसे दबाते हुए इसे, थोड़ा सा अंदर करते हुए इसे प्लेट लगाएंगे, इसको प्लेट डालेंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा, दोनों साइड हमारी जो प्लेट की डायरेक्शन है वो एक ही साइड रहेगी, दोनों तरफ से सेम डायरेक्शन जाएगी प्लेट की। सेम डायरेक्शन में प्लेट को दबाएंगे। और ये फ्रेंड्स, ये तैयार हो गया। ये भी बहुत जल्दी बन जाता है, ये वाला जो मैंने बताया आपको। तो इस तरह आप भी अपने लिए, जो जिस तरह से शॉर्टेज हो रही है मास्क की, तो इस तरह से घर पे आप बहुत ही इजी मेथड से आप तैयार कर सकते हैं। कॉटन के आप बनाइए इस तरह से। तो ये थी मेरी आज की वीडियो फ्रेंड्स। एक नई वीडियो के साथ आपको मिलूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, बी पॉजिटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।